बड़का समाचार के बाद अब रहोगे खबर छत्तीसा के। खबर छत्तीसा के शुरुआत करबो धमतरी जिला ले। ग्राम पंचायत खरेंगा में शौचालय निर्माण और 14वां वित्त आयोग राशि के खर्च में गड़बड़ी की शिकायत हो रही है, जिकर जांच में सरपंच और सचिव ला दोषी पाए गए। आरोप सिद्ध होए के बाद सरपंच और सचिव हा फरार है, जिकर ले नाली निर्माण करे वाले मजदूर मन ला पैसा नहीं मिले है। और अब सरपंच और सचिव के जगह में प्रभार लेवैया नया प्रभारी सरपंच और सचिव हा पैसा दे बर मना करत है, जिकर शिकायत लेके मजदूर मन हा कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच के नाली निर्माण के मजदूरी राशि दिलाए के मांग करत है। पैसा नहीं देंगे कहना है उसका। पुराना सचिव के पास हमन काम करे हैं, उमन 9-2-11 हो गए, अभी नहीं है गांव में, फरार है। तो गेन हमन मंगे बर अब नया सचिव आए, उप सरपंच नया बने हैं, ओकर पास हमन पूरा गेन अपन मजदूर कुली इतना तब बोले न अपन बात रखें कि हमन ला पैसा चाहिए मजदूरी के। वो बोली तुमन भग गए, फरार है, उमन काम कराए, उमन जाने, हम लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे पैसा बोले। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगाए आए हैं। तो समस्या लेकर नाली निर्माण का और अपन ट्रैक्टर जो ट्रांसफरिंग है उसका और नाली सफाई का, जिसमें से मिस्त्री और लेबर पूरा काम किए हैं और पिछले जो सरपंच सचिव थे वो लोग प्रस्ताव पास करने के बाद ही ये काम चालू हुआ था, है ना। उसके बाद अभी जो आए हैं सरपंच सचिव तो फरार हो गए पहले वाले, तो अभी जो सरपंच सचिव आए वो लोग अभी पंचायत में मीटिंग लिए वो लोग, और वो लोग लेने के बाद क्या किए हैं कि जो काम किए उन लोगों को पैसा हम नहीं देंगे, जबकि पुराना सचिव पैसा निकाल के 76,000 रुपया रखा हुआ है। और वो मीटिंग के माध्यम में सारी लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ 76,000 रुपया लेबर का पैसा पड़ा हुआ है, मजदूरों का मतलब उसका देना है करके। लेकिन अभी तक के क्या है, परसों मीटिंग हुआ ना, तो उस दिन ले लोग क्या किए हैं कि हम पैसा को नहीं देंगे, हमारा जवाबदारी नहीं है, जो करना है कर लो, ऐसा करके ना सचिव पंच और सरपंच लोग बोले हैं। तो हमारा कहना है कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से इन जितने भी मजदूर मिस्त्री लोग कमाए हैं उसका पैसा जल्द से जल्द देने की मतलब कृपा करें, ताकि ये अपने समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि ये सब लोग गरीब आदमी हैं और कम से कम एक महीना एक दिन काम किए हैं, है ना, नाली निर्माण में और नाली सफाई में आदमी लोग 10 दिन काम किए हैं। हाँ, समस्या का समाधान नहीं होगा तो सारी मजदूर लोग और हाँ आए थे अभी, उसमें से मिस्त्री लोग भी थे, जो सफाई किए थे वो लोग भी थे, जो माल ढुलाई किए हैं वो उनके भी मालिक लोग आए थे कि वो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में लोग काम किए हैं लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। तो इसके लिए सीओ जिला जनपद पंचायत को यहाँ से भेजा जा रहा है कि उसको परीक्षण करें और SDM को जाँच के लिए किए हैं कि वास्तव में ये काम किए हैं। तो उस समय जो स्वीकृत हुआ तो राशि कहाँ गया, यदि पूर्व सरपंच ने यदि गबन किया होगा तो उसके खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मजदूर लोग भी आए थे, उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो जांच करेंगे। तो पूर्व सरपंच यदि उनका निकाल लिया होगा तो पूर्व सरपंच और जो तत्कालीन सचिव रहा होगा उनके उनसे वसूल करके इन लोगों को भुगतान किया जाएगा।